बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 8वीं की सिविक्स बुक में अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। अध्याय 6 का नाम है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, शहरों में रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से पेयजल की आपूर्ति होती है। पेयजल यानी पीने की जल। तो शहरों में हमें पेयजल की आपूर्ति कहाँ से होती है? पहला तो पाइपलाइन से होती है और दूसरा टैंकरों से। ठीक है, तो यहाँ आप लोग पाइपलाइन भरोगे और दूसरा टैंकर भरोगे। कई स्थानों पर चापानल, बोरवेल इत्यादि से भी होती है, लेकिन अधिकतर जगह हमें पाइपलाइन एवं टैंकरों के माध्यम से ही होती है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन मुहैया कराई जाती है। तो यहाँ हमें भरना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का प्रावधान है। तीसरा प्रश्न है, जन सुविधाओं की उपलब्धता की जिम्मेदारी रिक्त स्थान की होनी चाहिए। तो जन सुविधाएँ की उपलब्धता की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। ठीक है, किसकी होनी चाहिए? सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। चौथा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक साथ कई रिक्त स्थान मिलते हैं, तो एक साथ कई लाभ मिलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद घाटी परियोजनाएं, चंबल घाटी परियोजनाएं, तो ये सभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ठीक है, इसके माध्यम से अनेक लाभ मिलते हैं। पांचवा है, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस को आरंभ किया गया। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, जो कि 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, तो उसी दिन यह प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ हैं? तो लिखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निम्न लाभ हैं। पहला, इससे जल विद्युत की पूर्ति की जाती है। ठीक है, नदियों के ऊपर बांध बनाकर जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, तो इसमें जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। दूसरा, इसके माध्यम से सिंचाई कर फसलें उगाई जाती है। ठीक है, बांध बनाकर इसके माध्यम से इधर से नहरें निकाल कर सिंचाई कर फसलें उगाई जाती है। तीसरा है, घरेलू व औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होता है। चौथा है, नौकायान व मनोरंजन सेवा मनोरंजन का कार्य करता है। ठीक है, मनोरंजन का भी इसमें बहुत सारे साधन होते हैं और मनोरंजन भी इससे बहुत होता है, उससे भी आमदनी की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न है, इसमें भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखें। तो हम लिखेंगे, भारत के कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्न हैं, दामोदर घाटी परियोजनाएं, रिहंद घाटी परियोजनाएं, चंबल घाटी परियोजनाएं, ये आपको लिख लेना है। और आपको एक परियोजना का नाम कमेंट में बताना है, कि आपको एक परियोजना का नाम कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, जन सुविधाएँ क्या होती हैं? तो इसमें हम लोग लिखेंगे, लोगों के कल्याण के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं को जन सुविधाएं कहा जाता है। जन सुविधाओं में पेयजल व्यवस्था, आवास, लोक व्यवस्था, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली आपूर्ति, सड़क एवं नालियों का निर्माण, महामारी की रोकथाम, सुलभ शौचालयों आदि का रखरखाव, कचरा निस्तारण आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो आपको सीधा समझ लेना है कि वे सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं कहलाती है, उन्हें जन सुविधा कहते हैं। जो वे सुविधाएं जो मूलभूत होती है, उसे ही जन सुविधा कहते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न, शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, किसी भी जीवित जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में शुद्ध पेयजल हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुद्ध पेयजल पीने से हम अनेक जल जनित बीमारियों से बच सकते हैं,
जिसमें दस्त, हैजा, डायरिया इत्यादि शामिल हैं। ये आपको लिख लेना है। पांचवा प्रश्न कहता है, केंद्र सरकार के आय के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे केंद्र सरकार के आय प्राप्ति के निम्न स्रोत हैं। पहले है उत्पादन कर, ठीक है, उत्पादन कर लगाता है सरकार लगाती है। दूसरा है सीमा कर, तीसरा है निगम कर, चौथा है आय कर इनकम टैक्स, और पांचवा जीएसटी। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। छठा प्रश्न, क्या सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है? अगर हाँ तो कैसे? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, हाँ सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना आवश्यक होती है। सामाजिक सुरक्षा की योजना जनमानस के कल्याण के लिए भी होती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।